आज़ादी के बाद एक जो बढ़ोतरी हुई, मैंने कहा ना मैं तो आशावादी हूँ, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी दलितों ने, एससीज ने, बहुजन समाज ने एजुकेशन को हासिल किया। उस सारी मतलब ऑब्स्टेकल को, सारी मतलब भूखा रह के सब बादों कुछ करते हुए वो हायर एजुकेशन तक पहुंच रही है। लेकिन अब जब करंट में मानसिकता और व्यवस्था दोनों की बात कर रही हूँ मैं, अब जब करंट में सरकार को जब अब ये लगने लगा कि ये तो ज़रा सा इनको अवसर दो, ये तो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, मतलब न सिर्फ रिजर्व कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं बल्कि जनरल को भी वो पार कर रहे हैं, तो इन्होंने उसको स्टॉप करने के लिए, उनको रोकने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेज के दरवाजे बंद कर दिए। अब आप देखिए कितना बड़ा झटका है। हमारे विद्यार्थी जो गांव देहात में पढ़ते हैं, जिनको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं होती, वो बड़ी मुश्किल से 50% लेके आते थे क्राइटेरिया, और उस क्राइटेरिया से वो एमफिल में, पीएचडी में एडमिशन ले लेते थे, और या फिर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए वो बैठते थे। अब वो बैठ ही नहीं पाएंगे, वो सारी क्रीम बाहर चली जाएगी जो इतनी मुश्किल से 12वीं BA और MA करके इस उम्मीद से जो घर वाले बैठे हैं कि एक दिन हमारा बच्चा एक बड़ा आदमी बनेगा, एक दिन हमारा बच्चा इस लायक बनेगा कि वो हमारे समाज को भी आगे बढ़ाएगा। और न सिर्फ समाज भाई, राष्ट्र निर्माण किससे होगा? हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण सिर्फ एक चीज़ से नहीं होगा ना, राष्ट्र निर्माण वो तबका भी तो है, वो राष्ट्र का हिस्सा है ना, पूरा भागीदारी है उसकी, पूरी भागीदारी है उसकी, हिस्सेदारी है उसकी, तो हिस्सेदारी और भागीदारी उसकी तो आप पहले ही छीन रहे हैं। यही 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 बात है, इसलिए व्यवस्था से तो हमें उम्मीद, अब बिल्कुल। कम से कम आज का जो सिनेरियो है, जो एकदम फैक्ट है, जो दिखाई दे तो रहा है, व्यवस्था से उम्मीद नहीं, व्यवस्था से उम्मीद हमें बिल्कुल एकदम अब खत्म होती जा रही है, खत्म होती जा। अब ये लगता है कि अब तो पहले स्कूली एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया, डैमेज किया, खत्म नहीं किया, डैमेज किया, क्योंकि इनको बहुत अच्छी तरह पता लग चुका था कि ये जो जो क्राउड आ रहा है हमारे पास, ये डिप्रेस्ड सेक्शन का है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन का है, दलितों बहुजनों का है, मुस्लिम्स का है, सिख का है, माइनॉरिटीज का है, उनको सीधा प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला। और इवन यहाँ तक आ गया कि सब्जेक्ट भी बहुत सारे, दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ भारत की राजधानी है, वहाँ एमसीडीज के स्कूलों में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको ख़त्म किया गया, उनको बाकायदा ये कहा जाता है इंग्लिश पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब वो क्या राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे या अपनी हिस्सेदारी कहाँ से लेंगे? आप एक तरफ रिजर्वेशन को ख़त्म कर रहे हैं पीछे के दरवाजे से, दूसरी तरफ आप प्राइवेटाइजेशन को दरवाजे खोल रहे हैं, तीसरी तरफ अगर स्टूडेंट्स असर्शन या फाइट करके आगे बढ़ता भी है तो उसको एक बहुत बड़ी बाधा आपने उनके सामने रख दी। अब ये एक बहुत हम लोगों के लिए तो बहुत भयानक है कि इस किस्म की पॉलिसी अगर आती है तो व्यवस्था तो ये चाहती ही नहीं कि हमारे बच्चे आगे आएँ, ये तो बिल्कुल मतलब ये चाहती है कि वही सामंती सोच या जो भारत के संविधान के लिखने से पहले जो स्थिति थी वो उस स्थिति तक पहुंचाना चाहते हैं। एजुकेशन के दरवाजे बंद होने जा रहे हैं, कुल मिला के ये रहेगा बिल्कुल एकदम, मेरा मेरा अपना ये मानना है। क्योंकि आप देखिए ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जब एडमिशन होता है 37,000 तक फीस पहुँच रही है, 23,000 कॉलेजेस की फीस है, 17,000 तक फीस है, कहाँ से देंगे हमारे बच्चे? कहाँ से वो बच्चा जो स्कूल को बड़ी मुश्किल से पार करके, 12वीं क्लास पार करके, इस उम्मीद में कि उसको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे वो आएगा, वो फीस कहाँ से देगा? और अगर वो कर भी लेगा, MA कर भी लेगा, तो आपका अगर वो इतनी परसेंटेज में पास करेगा तो आपने उसको तो बाहर निकाल दिया। और फिर भी आप ये करें कि आप तो दलितों के लिए हितकारी हैं या सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, कहाँ सबका साथ, ना साथ है ना विकास है। अगर साथ और विकास दोनों चाहिए आपको तो कम से कम जो पहले बनी हुई थी पॉलिसी, कम से कम उसको तो सस्टेन रख लो, आप उसको तो मेंटेन करो। हमने तो ज़्यादा मांगा ही नहीं था अभी तक, तो जो मांगा, जो आपने हमें पॉलिसीज़ के तहत दिया, तो उन पॉलिसीज़ को ही ख़त्म कर रहे हैं हम। राजीव गांधी फेलोशिप देनी शुरू की, ST के लिए राजीव गांधी फेलोशिप बंद कर दी। तो मतलब कि सरकार की या व्यवस्था की नीति तो ऐसी बनी हुई है कि एक तरह से पहले एक एक कैटेगरी के लिए कोई चीज़ बंद करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे लेके आके दूसरे हराने की बात देखिए ना। अब तो SC में क्रिमिलर लागू होने वाला है, जा चुका सुप्रीम कोर्ट में। आप देखिए ना कि एक तरफ आपने रिजर्वेशन ख़त्म कर दी, दूसरी तरफ आप क्रिमिलर भी लेके आ रहे हैं, ये अपने आप में ही विरोधाभासी हैं। देखिए, हमारा 5 मार्च को एक लेटर आता है UGC के माध्यम से, कॉलेजेस तक पहुँचता है, वो बेसिकली नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर था। मैंने रिजर्वेशन की बात की ना, अगर हमारा एक विद्यार्थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है
और जब वो हायर एजुकेशन, जब वो टीचिंग में जाएगा, खासकर हम पोस्ट की बात करते हैं, वो जो पद निकलते हैं कोई भी डिपार्टमेंट हो, पोस्ट जो निकलती है, अपॉइंटमेंट्स की जो पोस्ट निकलती हैं, उसका एक अपना एक मैकेनिज्म था। 200 पॉइंट रोस्टर के माध्यम, रोस्टर के माध्यम से बेसिकली वो वैकेंसीज निकलती थी। जितनी भी एक डिपार्टमेंट में निकली है उसको एससी को कितनी जाएगी, एसटी को कितनी जाएगी, ओबीसी की को कितनी जाएगी, जनरल को कितनी जाएगी, यानी कि ओपन में कितनी जाएगी, इसका एक अपना क्राइटेरिया होता है, उसको रोस्टर हम लोग बोलते हैं। उस रोस्टर में जो पहले था 200 पॉइंट रोस्टर था, जो लागू था, जिसकी बदौलत हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटीज में पढ़ा पा रहे हैं और कॉलेजेज, पूरी भारत की एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रही हूँ मैं। वो रोस्टर के माध्यम से हमें एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व मिलता था। जैसे एससी का 7%, एसटी का 7%, एससी का 15% और ओबीसी का 27%। अपॉइंटमेंट्स में इससे उनको इसके आधार पे उनको मिलता था। लेकिन अब ये 5 मार्च के लेटर के जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसने ये कहा कि ये वो जो रोस्टर था वो एज ए वोल मान के हम लोग करते थे। जैसे मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, मेरा कॉलेज जिसमें मैं पढ़ाती हूँ और मैं इंचार्ज भी हूँ संस्कृत डिपार्टमेंट की, तो जितनी भी पोस्ट निकलेंगी वो कॉलेज के टोटल पोस्ट में से एससी एसटी ओबीसी डिसाइड होगा। अब इन्होंने ये कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट वाइज आप रोस्टर बनाएं। उसको बोला गया 13 पॉइंट रोस्टर। उसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए 13 पॉइंट रोस्टर जो है उसमें जो गाये बगाए 200 पॉइंट रोस्टर में जो एससी की निकल जाती थी सीट, ये एससी की है, ये ओबीसी की है, ये एसटी की है, 13 पॉइंट रोस्टर को लागू होते ही एक भी सीट एससी को नहीं जाएगी। क्योंकि जब भी पोस्ट निकलेगी कोई भी डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन में, खासकर 2, 3, 4 से ज़्यादा पोस्ट निकलते ही नहीं, क्योंकि 65 एज है हमारे यहाँ। एक अपॉइंट अगर हुआ, जैसे मेरा अपॉइंटमेंट है तो 65 तक एज तक मैं अपनी जॉब करूँगी, तो इसका मतलब मेरे बाद वैकेंसी वो खाली होगी, या डेथ हो जाए फिर, या कहीं वो छोड़ कर चला जाए, तीन सूरत में होती है। अब आप देखिए कि जो डिपार्टमेंट, जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं जहाँ 2, 2, 3, 3, 4, 4 पोस्ट ही निकलती हैं, उसमें तो 7वीं पोस्ट तक निकलती ही नहीं। मतलब जो 13 पॉइंट रोस्ट है उसमें 7वीं पोस्ट जाके 7 पोस्ट जनरल को जाएंगी, 8वीं पोस्ट एससी को जाएगी। मतलब किसी भी कॉलेज में, कॉलेज नहीं डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट की अगर 8 पोस्ट निकली हैं तो 8वीं पोस्ट एससी को मिलेगी, तो एक मिल जाएगी, बाकी 7 जो है नहीं, वो 7 निकलती ही।